इन्हों ने भी कवर करना है। मैं इन्हों बेनती करूंगा कृपा करके साढ़े जाने तो बाद जरूर पूछ के जाए लोगों कि दिहाड़ी तो नहीं आए, दिहाड़ी तो नहीं आए, कोई लालच दे के नहीं लिया, आप आए ने, आप आए। इतने कई पार्टियां है जड़िया किराए से बंदे पता लग जाता है नारे लाने तो। 2020 जो दिल्ली की इलेक्शन चल रही थी मोदी जी ने रामलीला ग्राउंड एक रैली की, बहुत रश होया उत्थे, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, मैं भी बैठा सी उत्थे टीवी ते देख रहे सी। जो नारे लग रहे सी, दो तीन नारे मैं सुने, मैं केजरीवाल साहब नूं कहा, मैं कहा जी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करो, सहु चुकन की तैयारी करो, अपनी सरकार बनूंगी। कहिंदे आपको कैसे पता चला? मैं कहा जी नारे लाने तो। कहिंदे नारे तो ठीक लग रहे हैं। मैं कहा नहीं सर, नारे लाने का अंदाज देखो लोगों का, स्टेज तो नारा लग रहा सी हर हर मोदी, और लोग नारा ला रहे सी हर हर मोदी, गर्दन किमें बहस करनी है ते उन्हें तो किमें पैसे लिया के इत्थे लाउणे ने, ये पासवर्ड सारे मैं दस दो रेकू नू, मैं पहला संगरूर दे विच करदा रहा, उन्हें पता इस गल का। सो वीरो 11 महीने मंग रहे हां, 60 साल तुसी कांग्रेस नू वोटां पाईआं, 11 महीने वीरो, 11 महीनों के विच चुके एक मिनट, एक मिनट, 11 महीने मंग रहे थोड़े तो, 60 साल कांग्रेस नू तुसी वोटां पाउंदे रहे, 60 साल। मैं 11 महीने क्यों कह रहा, अगले साल इस तरीक नू कोड लग्या होगा 2024 च, वोटां पै रही होंगे देश के प्रधानमंत्री वाली वोटां पैन गिया, अप्रैल च कोड लग जाता, 11 महीने रह गए, 11 महीने तुसी साडे नाल आ दिओ, यह अगे यकीन थोनू असी दिने कि इन्ना वधिया काम करांगे कि अगली बार थोनू कहण दी लोड़ नहीं पैनी, जा फिर निकम्मे निकले तो अगले 11 महीने बाद मक्खण चो बाल वांग कढ के आ। सो वीरो 10 मई नू झाड़ू वाला बटन दब के साडी जिम्मेवारी शुरू, जलंधर नू मुंदरी दे नाग बांबू चमका देंगे वीरो। देखो बिजली दे बिल जीरो आउंदे आ ना, ये आई आउणगे, देखो नौकरियां मिलने लग गई ना, नौकरियां मिलने लग गई, 29,000 नौकरी देती हुण तक वीरो। पीजीआई वाले तो भी अपग्रेडेड हस्पताल बनावांगे, बनिया ही होया थोड़े कोले, असीं उन्हां नाल कहता उन्होंने नोटिस जारी करता, जिहड़ा पिम्स है, जिहड़ा पिम्स है उन्हूं असीं सरकार चलाऊगी और मुफ्त दे विच थोड़ा इलाज उत्थे होगा, बहुत वधिया हस्पताल बनाउणा। अज ही मैं वीरो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, असीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की गल कीती सी ऐसे जगह ते खड़ के, अज मैं एक ट्रक बॉम्बे वास्ते जा रहा सी, उन्हूं मैं हरी झंडी दे के आया, रगबी दियां बॉलां, रगबी गेम है एक बहुत मशहूर, फ्रांस दे विच 2023 नवंबर दसंबर च वर्ल्ड कप हो रहा रगबी का, ते रगबी दियां सर 2,00,000 बॉलां बन रही ने जलंधर च, ते अज मैं उन्हां दा हरी झंडी दे के आया। जलंधर दियां फुटबॉलां नाल वर्ल्ड कप खेले जांदे आ, जलंधर दे बैट बॉलां नाल क्रिकेट दे वर्ल्ड कप खेले जांदे आ, सो जलंधर वाले तां इस काम लई मशहूर ने। सो इस बार इनकलाब वास्ते भी मशहूर हो जाओ, ते हुण तुहाडा नाम हिस्ट्री च लिखा जाऊ, किवें लिखा जाऊ, अज तो 50 साल बाद किते पुछया जाऊ कि जदों पंजाब विकास दीआं लीहां ते दुआरे चढ़िया तां पंजाब सरकार दा हौसला वधाउण लई, आम आदमी पार्टी दा, अरविंद केजरीवाल दा, भगवंत मान दा हौसला वधाउण लई सब तो वध वोटां पा के किहड़े हलके चों लोकां ने शुरुआत की, उहदा सही जवाब होगा जलंधर लोग सभा हल्के वाले ने, सही जवाब यह होना चाहिए। सो वीरो अपना चोन निशान झाड़ू है, तुसी कई बारी फेरिया हुण तुहानूं दसण दी लोड़ नहीं, झाड़ू फिर मुड़ के विरोधी किते नजर नहीं आउंदे, आ जिहड़े फिरदे ने इधर उधर इहनां कोले कुछ नहीं, ये आपस च लड़ते फिरते हैं, असीं थोड़े वास्ते लड़ते फिरते हैं, असीं पंजाब दे विकास वास्ते लड़ते फिरते हैं। सो मैं क्योंकि मैं तो थोड़े च बिची रहना बोलता रहना, हुण मैं बेनती करूंगा साढ़े सुप्रीमो
आम आदमी पार्टी दे कन्वीनर और एक ऐसे निडर दलेर लीडर जिहड़े हिक ते हथ मार के कहंदे आ कि जे मेरे काम चंगे लगे तो वोटा पा दिओ नहीं ना पायो। ये कहना बहुत वड्डे जिगरे वाली गल है जी। सो दिल्ली चमकाती इन्हां ने उन्होंने बोलने तो पहला मैं थोड़ी पड़ास कटा लैना। लो 10-15 सेकंड दिते मार लो चीक जड़ी मार। अरविंद केजरीवाल, भारत माता की, भारत माता की। ये बिल्कुल सही लिखा है। एक साल कम दमदार। पूरे पंजाब के अंदर अभी जब हम लोगों से मिलते हैं, पंजाब के बहुत सारे लोग दिल्ली आते हैं, सब लोग दांतों के तले उंगली दबा लेते हैं जी। देखिए एक साल में इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया। करा कि नहीं करा? बिजली के बिल किस किस के जीरो आते हैं हाथ खड़े करो। देखो सबके कैमरे वाले जरा दिखा दो, कैमरे वाले थोड़े से दिखा दो, सबके बिजली के बिल जीरो आने लग गए। किसी ने सोचा नहीं था। एक साल पहले जब हम पूरे पंजाब में घूमते थे, हम कहते थे बिजली के बिल जीरो कर देंगे। लोग सोचते थे यार पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, एक मौका तो देके देख लो। जब हमारी सरकार बनी हमने ये सोचा कि हम बिजली के बिल जीरो करेंगे। कई लोगों ने आके समझाया अभी मत करो, 5 साल बाद करना, जब चुनाव आएंगे उसका फायदा होगा। लेकिन हमने तुरंत कर दिया। हम राजनीति के लिए नहीं, वोट के लिए नहीं, लोगों के काम करने के लिए आए हैं। अब लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, बच्चे पक्के हो रहे हैं, बिजली के बिल जीरो हो गए, किसानों के काम हो रहे हैं, युवाओं के काम हो रहे हैं, महिलाओं के काम हो रहे हैं, शहीदों को लो 1-1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ऐसे काम आज तक कभी किसी ने नहीं देखे थे पंजाब के अंदर, जैसे काम अभी होने शुरू हुए हैं। एक साल में कर दिए। आज जलंधर वालों से 1 साल मांगने आए हैं, 5 साल मांगने नहीं आए, 1 साल, 11 महीने, 11 महीने दे दो। 60 साल तुमने कांग्रेस को दिए कि नहीं दिए? 1 साल हमको दे दो, 11 महीने दे दो, काम पसंद नहीं आए अगली बार मत देना। और 11 ये शुरुआत है। आम आदमी पार्टी आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के स्नेह से आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई 10 साल के अंदर। अब लोकसभा में जाने का टाइम आ गया है। लोकसभा में जब आम आदमी पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा, जब आम आदमी पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी, तो पूछा जाएगा कि पहला एमपी कौन था। पहला एमपी सरदार भगवंत मान था। उसके बाद थोड़े दिन कोई एमपी नहीं रहा। उसके बाद जलंधर से पहला एमपी आम आदमी पार्टी का लोकसभा में गया। इस बार पहला एमपी जाएगा, अगली साल ऐसा अच्छा काम करके दिखाएंगे 13 के 13 एमपी पंजाब से लोकसभा के अंदर जाएंगे। आपने 60 साल आपने कांग्रेस को वोट दिए। जलंधर का चुनाव है, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वोट मांगने आया दिल्ली से? कोई नहीं आया। हम 2 मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, 2 सबसे बड़े नेता हैं, दोनों आपसे वोट मांगने आए हैं। अपनी झोली फैला के जलंधर वालों से दोनों वोट मांगने हैं। कांग्रेस को आपकी वोट की जरूरत ही नहीं है, वो वोट मांगने ही नहीं आए। तो अगर कोई वोट मांग ही नहीं रहा तो उसको क्यों देते हो? फ्री में थोड़ी आती है वोट। कोई नहीं आया वोट मांगने इनका बड़ा आदमी, कोई राहुल गांधी आए, कोई नहीं आया। उनको चाहिए ही नहीं, उनको लगता जलंधर वाले ऐसे ही दे देंगे, अब ऐसे नहीं मिलता वोट, अब मांगना पड़ता है वोट। तो दोस्तों हम दोनों आज आपके बीच में आए हैं। आप लोग इतनी धूप के अंदर टाइम निकाल के आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है सरदार भगवंत मान ने जब संगरूर से चुनाव लड़ा था एमपी का, तो एक नया रिकॉर्ड बनाया था पूरी देश के अंदर। आप उस रिकॉर्ड को तोड़ोगे और ज्यादा से ज्यादा वोटों से सुशील रिंकू जी को जिताओगे। दूसरे नंबर का बटन है,
ज्यादा से ज्यादा बटन दबाना और ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताना। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मानू के सरबजीत कौर मानू के साडे एमएलए साहबान साडे चंदन गरेवाल जी जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है साडी सारी टीम सर जलंधर दी कपूरथले दी करतारपुर दी आदमपुर दी ये सारी टीम है बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा तुसी मेहनत कर रहे हो दो तीन दिन मेहनत हो रहा है उस तो बाद मेहनत नूं फल लगणगे बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सो निहाल। हर तरह की खबर सब तो पहला वेखने लिए सबसक्राइब करो चैनल काशी टीवी। हर अपडेट का संकेत मिलता रहे दबाओ बैल आइकन लाइक करो फेसबुक पेज काशी टीवी।